खबर जयपुर से है, जहां 16 अगस्त को कोविड-19 के दौरान आर्थिक मार से त्रस्त जनता अब सड़कों पर उतरकर अपनी गुहार लगा रही है। इसी के तहत नो स्कूल नो फीस नो ऑनलाइन क्लास की मांग को लेकर राजधानी के 90 से अधिक स्कूलों के 350 से अधिक अभिभावक प्रतिनिधियों ने अपना दर्द शालीनता एवं शांति के साथ JLN मार्ग स्थित शिक्षा संकुल पर बयां किया। संयुक्त अभिभावक समिति जयपुर द्वारा रविवार को प्रातः 10 बजे से अभिभावक एकता रैली का आह्वान किया गया, जिसे द्वारा आयोजकों को समझाने के पश्चात शिक्षा संकुल पर ही अपनी बात कहने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन देकर संपन्न करवा दिया गया और 5 सदस्यों को गांधी सर्किल जाने की अनुमति दी गई, जहां संयुक्त अभिभावक समिति के पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर निजी स्कूलों को सद्बुद्धि मिले की प्रार्थना की। इस अवसर पर संयुक्त अभिभावक परिषद के सुशील शर्मा, महामंत्री मनीष विजय वर्गीय, कोषाध्यक्ष संजय गोयल, प्रवक्ता अरविंद अग्रवाल, ईशान शर्मा, मनोज शर्मा, मीडिया संयोजक अभिषेक जैन, बिट्टू आसपा, जवाहर शर्मा, नरेश जैन, सर्वेश मिश्रा, चंद्रमोहन गुप्ता, अमृता सक्सेना ने पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को गुलाब का फूल दे सरकार तक अभिभावकों का दर्द पहुंचाने का निवेदन किया। महात्मा गांधी की फोटो के साथ नो स्कूल नो फीस के पर्चे लिए अभिभावक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बिना एक भी नारा लगाए मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं स्कूल प्रबंधकों से अपना दर्द बयां करते हुए नजर आए। महामंत्री मनीष विजय वर्गीय ने कहा कि समाज सेवा के नाम पर रियायती दरों पर सरकार द्वारा दी गई अनुदानित भूमि का उपयोग आज व्यावसायिक परिसर की तरह किया जा रहा है। कोविड के दौरान भी अभिभावकों को राहत देने की जगह उनकी इज्जत से सुनवाई नहीं होना शर्मनाक है। प्रवक्ता ईशान शर्मा ने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था चंद पूंजीवादियों की गिरफ्त में है, जिससे देश को मुक्त करवाना होगा। कोविड-19 के दौरान भी अपनी जान जोखिम में डालकर शांतिपूर्ण रैली में सम्मिलित अभिभावकों ने जिस एकता का परिचय दिया वह काबिले तारीफ है। पुलिस की समझाने के बाद समिति प्रवक्ता मनोज शर्मा ने सराहना करते हुए रैली के समापन की घोषणा की और कहा कि यदि सरकार ने आवाज नहीं सुनी तो आज से भी बड़ी रैली, जिससे हजारों लोगों के विरोध का सामना करना होगा। आज केवल स्कूल के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, आगे प्रत्येक अभिभावक सम्मिलित होगा। अंत में परिषद कोषाध्यक्ष संजय गोयल, प्रवक्ता अरविंद अग्रवाल, ईशान शर्मा, मनोज शर्मा एवं अभिषेक जैन, बिट्टू ने गांधी सर्किल पर राष्ट्रपिता की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर सरकार एवं स्कूल प्रबंधकों को सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। सरकार ने स्कूल बंद कर इसके लिए सरकार का दायित्व है कि जनता के लिए इसके लिए गाइडलाइन जारी करे स्कूल के लिए कि वो है ना फीस नहीं ले पाए। अगर और ये मैंडेटरी भी है, ऑनलाइन स्टडी इज नॉट मैंडेटरी। इनको जो भूमि दी थी उस भूमि के अंदर एक साइन करवाया था इनसे कि ये जो रियायत दरों के ऊपर भूमि दी जा रही है ये समाज की सेवा के लिए दी जा रही है। ये भारत के गौरव और बच्चों जो आने वाले भविष्य हैं उनको कहीं ना कहीं सामाजिक सहभागिता रूप में दी जा रही है। इसी रूप के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज चले और इसकी जांच नहीं हो रही है तो इसके ऊपर कार्रवाई हो और आने वाले समय के अंदर उन्हीं के लिए काम किया जाए जो शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।